मांधाता में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने अब तीर्थ नगरी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। मांधाता में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर भाजपा सरकार पर तीखे वार किए हैं। कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में पहुंचेगी। कांग्रेस का कहना है कि जनपद के अधीन ग्राम पंचायतों में शासन प्रशासन के विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार अगर सरकार जांच कराए तो कई लोग फंसेंगे। बीजेपी के शासन में खनिज माफिया सहित असामाजिक तत्व गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हुए हैं। सरकार एक तरफ माफियाओं को खत्म करने की बात करती है तो दूसरी तरफ संरक्षण दे रही है। अब की बार ये जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार, इसको बदलने का लोगों का मान है। रहा सवाल कि इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इसका राजनीतिक उद्देश्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी कश्मीर तक की जो यात्रा की है पैदल यात्रा, उसी का स्वरूप उसको गांव गांव तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यक्रम बनाया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसके तहत हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग एक एक गांव जाएंगे, वहां बैठक करेंगे, एक एक दरवाजे पर जाकर उनसे चर्चा करेंगे, भाजपा के खिलाफ जो माहौल है उसके बारे में बताएंगे, कांग्रेस की जो उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ कोई गांव पूरा मतलब खंडवा जिले का, बुरहानपुर जिले का ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता ना पहुंचे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत ना करें। हम हाथ से हाथ जोड़ेंगे तभी तो दिल जुड़ेंगे हमारे, कहा ना कि जब तक हाथ न दिल नहीं मिले, जब तक हाथ तो मिलाता नहीं है, हाथ मिलेंगे तो दिल भी मिलेंगे, दिल मिलेगा सरकार भी बनेगी, और निश्चित रूप से अभी मान के चलिए भाजपा की जो घबराहट है, भाजपा में जो बौखलाहट है राहुल गांधी की यात्रा से, उसके बाद ये सारी जो परिवर्तन यात्रा है, कौन कौन सी यात्रा है, क्यों निकालने को मजबूर हुए। एक तरफ कहते हैं भारत मध्य प्रदेश बहुत खुशहाल है, किसान खुश है, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसान बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप सभी पत्रकार मित्रों से अनुरोध है कि उस सच्चाई को। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।